गुड आफ्टरनून जन एवरी वन, हम पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिवीजन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक पीस ऑफ पेपर जिसमें किसी एक पर्सन को, जिनको पैसे लेने होते हैं अगले पर्सन से, क्योंकि अगला पर्सन आनाकानी कर रहा था, टाइम पे टाइम मांगे जा रहा था, तो हमने कहा कि भाई साहब आप तो लिख के दे दो कि कितने टाइम में पैसे दोगे। वो कह रहा है क्यों, विश्वास नहीं है क्या? कह नहीं विश्वास तो है, फिर भी लिख के दे दो। तो क्यों, फिर लिख के क्यों दो अगर विश्वास की बात है? तो कह नहीं, दो तीन रीज़न है उसके कि अगर आप लिख के दे दोगे तो इस पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट में हम पैसा कहीं और से ले लेंगे। कि कहाँ से लोगे? कि वो बात हम बाद में करेंगे, आपको लिख के देने में कोई दिक्कत है क्या? कि नहीं पैसे तो देने ही है, लिख के दे दो। ठीक है, क्या लिखे? मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरे को लिखना नहीं आता, आज तक कभी मैंने ऐसा पीस ऑफ पेपर बनाया नहीं है। तो एक काम करो, आप ही लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि आप ही लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ। तो भाई तय क्या हुआ, लिखेगा कौन, पेपर बनाएगा कौन? जिसको पैसे लेने हैं वो क्या बनाएगा? वो कहेगा आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूँ कि यू विल पे, आप मुझे पे करो दिस मच अमाउंट एट दिस मच टाइम, और उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, सर्टेन रहेगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगा। राम ने सीता से शादी करी तो पैसे देना, हाँ ऐसा नहीं होगा। चांद को ग्रहण लगे तो पैसे देना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे इतने टाइम बाद इतने पैसे दो, खत्म। बना के सेंड करेगा पीस ऑफ पेपर, और वो बंदा, अगला बंदा क्या कर देगा, साइन, ओके सर मैं दे दूंगा। जैसे ही अगले बंदे ने साइन किया, उसने एक तरीके से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो भाई जिसको पैसे लेने हैं उसने तो वो बिल क्या किया, ड्रॉ। क्या किया? ड्रॉ। तो जिसने ड्रॉ किया वो क्या बन गया, ड्रॉअर, और जिसके लिए ड्रॉ किया वो कहलाएगा ड्रॉई। और फिर भाई ड्रॉई क्या करता है, उसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 महीने बाद ये पैसे देगा। तो जो पैसे दे रहा है वो क्या बन गया, पेयर। जिसको पैसे दे रहा है वो क्या बन गया, पे। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी पार्टीज आर देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितनी पार्टी होती है, 2, 3, 4, 1, 3, तीन पार्टी होती है। क्या तीन पार्टी होती है? एक पेई, जिसको आप क्या कह सकते हो, ड्रॉ, सॉरी एक पेयर, जिसको आप क्या कह सकते हो, ड्रॉई। एक बंदा जिसने बिल बनाया, जिसको क्या कहोगे, ड्रॉअर। और तीसरा बंदा जो क्रिएट हो सकता है वो हो सकता है पेई। सर ये पेई कौन होगा? हो सकता है कि इसने जब बिल साइन करवा के अपने पास लिया तो वो बिल उसने किसी और बंदे को दे दिया कि ये ले ले बिल, तू जाके पैसे ले ले। एग्जाम्पल, मुझे पैसे लेने थे हमारे लकी नाथ से, मैंने लकी के नाम पे बिल बना के दे दिया, आई ऑर्डर मिस्टर लकी नाथ टू पे ₹10,000 टू मी और टू माई ऑर्डर, या तो मुझे दे या मैं जिसको ऑर्डर दूँ उसको दे दे आफ्टर 3 मंथ्स। अब 3 महीने तक बिल मैं अपने पास रख के क्या करूँ, मुझे तो पैसे आज देने, तो मुझे जिसको पैसे देने थे मैंने उसको दे दिया, ये ले इसने मुझे तुझे पैसे देने, पैसे तो नहीं है, ये बिल रख ले, 3 महीने बाद तो उससे पैसे ले ले। इसने आने हामी भर ली, तो अब 3 महीने बाद पैसे लेने कौन गए, इसने आ गई, इसने गया तो मैंने बनाया बिल, मैं हूँ ड्रॉअर। क्या हुआ, क्या हुआ, मैं हूँ ड्रॉअर, इसको पैसे देने ही है, ड्रॉइंग या पेयर, जिसको पैसे मिले वो क्या है, पे। क्लियर। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है प्रॉमिसरी नोट और एक होता है बिल ऑफ ट्रेड, जिसको ट्रेड बिल बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें तो जो पैसे दे रहा होता है वही लिख देता है, मतलब बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, जिसको पैसे देने हैं वो। तो अब यही ड्रॉअर है, यही पे है। ठीक है, तो ये क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू मिस्टर मुर्तजा ऑन टू हिज ऑर्डर आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन लिखता है, भाई जिसको पैसे लेने होते हैं। ठीक है, अब इस बिल के क्या क्या काम होते हैं, पहला काम, अब मैंने लकी से बिल लिया तो पहला तो यार मैं बिल को होल्ड करके रखूँ,
होल्ड करके रखा, इसका मतलब मैंने बिल क्यों बनवाया, ताकि 3 महीने बाद ये पैसे ना दे तो मैं इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही कर सकूँ इसलिए। और दूसरा कि नहीं यार, लकी के खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा क्योंकि लकी तो भाई है, इतना पड़ोसों का रिश्ता है हमारा, लेकिन फिर बिल क्यों बनवाया, फिर क्यों लिखवाया उससे, ताकि मैं इस बिल से मेरा काम निकलवा सकूँ। वो कैसे कि मुझे जिसको पैसे देने थे उसको मैं क्या दे दूँ, बिल दे दूँ। इसके लिए आपको कहानी सुनाई कि हमारे देश में जो पैसा चलता है वो भी तो क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट ही तो है, ठीक है। तो या तो मैं उसको क्या दे दूँ, बिल दे दूँ। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? जिसमें मैंने किसी और का साइन किया हुआ बिल किसी और को चिपका दिया, अब मैं पीछे हट गया, आप दोनों आपस में देख लेना, क्लियर। तीसरा, या तो मैं खुद होल्ड करके रखूं, या तो मैं क्या कर दूं, एंडोर्स कर दूं। तीसरा, मैं डिस्काउंट करवा लूं। डिस्काउंट करवा लूं मतलब लकी की इमेज मार्केट में इतनी खराब है कि लकी के नाम का बिल कोई ले ही नहीं रहा, कि सर जो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, हमें तो क्या देगा, रहने दो नीचे इसके नाम का बिल। तो फिर मैं किसके पास चला जाऊँ, बैंक के पास। सर बैंक दे देगी क्या पैसे? हाँ, क्यों, बैंक लकी को जानती है क्या? नहीं, बैंक को लकी से मतलब नहीं है, बैंक को किससे मतलब है? मुझसे। बैंक मुझे मान लो 10,000 का बिल है, तो छोटा मोटा इंटरेस्ट का अमाउंट काट के, जिसको वो बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके, मान लो 500 रुपये डिडक्ट करके मुझे 9,500 रुपये दे देगी। अब 9,500 रुपये मेरा काम तो चल जाएगा, 3 महीने बैंक अपने पास रुकेगी, बिल लेके रखेगी, 3 महीने बाद लकी के पास जाएगी, और लकी से कितने पैसे ले लेगी, 10,000 रुपये ले लेगी। तो बैंक का काम चल गया, 9,500 दिए और 10,000 मिल गए, 500 का बैंक को फ़ायदा हो गया। अब सर अगर लकी ने पैसे नहीं दिए तो बैंक पूछेगी ताछेगी नहीं, डायरेक्टली मेरे खाते में से 10,000 रुपये क्या कर देगी, डिडक्ट कर देगी, ठीक है। अब सर आप बैंक के केस में तो बता रहे हो कि अगर लकी ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, एंडोर्समेंट के केस में पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? एंडोर्समेंट के केस में भी यही होगा, यार मैंने स्नेहा को बिल दिया, स्नेहा 3 महीने बाद बिल लेने गई, पैसे लेने गई, पैसे नहीं मिले थे, स्नेहा तो वापस 3 महीने बाद मेरे ही माथे आएगी कि सर मैंने तो गुड्स आपको बेचे थे, मुझे तो पैसे आपसे लेने थे, आपके कहे मुताबिक मैं वहाँ गई तो सही, पर उसने पैसे नहीं दिए तो उस पर जोर जबरदस्ती थोड़ी करूँगी, मुझे तो पैसे आप दोगे, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। 3 महीने बाद वापस चक्री उल्टी घूमेगी, इसने आप मुझसे पैसे मांगी, मैं लकी से पैसे मांगूंगा, अब लकी और मेरा हिसाब किताब चलता रहेगा, इसने आपको तो मैं पैसे देके क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, और लकी पे फिर मेरे को जो कार्यवाही करनी होगी वो मैं करूंगा, ठीक है। 3 तरीके, एक अपने पास रखूं जिसको बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरा कि मैं क्या करा दूँ, एंडोर्स करवा दूँ, है ना, तो एंडोर्समेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तीसरा क्या कराऊँ मैं उसको, डिस्काउंट करा दूँ। चौथा कि अब मैं क्या करूँ उसको, बिल साइन फॉर कलेक्शन। सर ये क्या होता है, क्योंकि उधारी के केस में अक्सर होता है मुझे जिससे पैसे मांगने होते हैं ना वो मुझे एक डेट दे देता है, और साला इतने टाइम बाद वो डेट याद रखना मुश्किल होता है, उस टाइम पे मैं पैसे मांग नहीं पाता हूँ, मैं थोड़ा ही लेट हो जाता हूँ, वो कहता है अरे यार सर मैं तो उस टाइम के लिए कहा था, उस टाइम आप आए ही नहीं, अब तो मैं इस टाइम पे दूंगा, फिर मुझे याद रखना पड़ेगा। तो आप तो लिखवा लो कि कौन से टाइम पे पैसे देगा, और लिखवा के वो पेपर किसको दे दो, आप बैंक वालों को दे दो कलेक्शन के लिए। अब बैंक से आप डिस्काउंट नहीं करवा रहे, अब बैंक आपको हाथों हाथ पैसे नहीं दे रही, बैंक तो आपको सिर्फ एक फैसिलिटी दे रही है कि यार तू भूल जाता है ना पैसे लेने, ला बिल मुझे दे दे, हम जाएंगे टाइम पे पैसे मांगेंगे, दे देगा तो लेके तेरे खाते में क्या करा देंगे, जमा करा देंगे। इसका बैंक कोई चार्जेस लेता है क्या? लेना हो तो लेगा, नहीं लेना हो तो नहीं लेगा, वो बैंक की और हमारी आपस की बात है, क्लियर है बात, ठीक है, ओके। 4 यूज हुए बैंक के, पहला क्या, होल्ड टिल मैच्योर, दूसरा एंडोर्समेंट, तीसरा चौथा यार लिखने में मेरे को न जाने क्यों मौत आती है, होल्ड, तुम्हें भी आती है क्या? करीना को देख के लगता भी है। होल्ड टिल मैच्योरिटी, सेकंड एंडोर्समेंट, एंडोर्सिंग नहीं है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल के बाद
ले चलो बेटा पूरा नक्शा आप लोगों के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, कि ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार चीज़ें ड्रॉवर कर सकता है, अपने पास होल्ड करके रखे, किसी और को दे दे, बैंक से डिस्काउंट करा ले, या बैंक को कलेक्शन के लिए दे दे। फिर ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये तो था एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बिल कि आप क्या करोगे। अब प्रिपेयरिंग के बाद जब मैच्योरिटी आएगी तो ये जो लकी नाग है ना चोर, ये भी चार चीज़ कर सकता है। क्या? पहला, बिल ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, कोई भी पैसे लेने जाए, इसने 3 महीने का टाइम भी दिया था, 3 महीने बाद ये पैसे दे रहा है, मेरे को दे रहा है, इसने को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, ठीक है। दूसरा, डिसऑनर ऑफ बिल, मक्कार पैसे नहीं दे रहा है, तो फिर से चीज़ें विपरीत होंगी कि मैं पैसे लेने गया, पैसे ही नहीं दे रहा, इसने अगर इसने को नहीं दिए, बैंक को नहीं दिए, तो हमें तीनों के केस में सीखना है। और ये वाला सिचुएशन आती ही आती है, आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये सिचुएशन आएगी ही आएगी। देन थर्ड है रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल में क्या है, लकी ने 3 महीने मांगे थे। अब ये टेंडेंसी होती है, जो लोग उधार लेते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है, जो साफ सुथरे मन के लोग होते हैं कि आज मुझे अगर किसी से पैसे उधार चाहिए, मैंने कहा प्रत्यक्ष प्लीज़ यार 20,000 रुपये उधार दे दें, तो प्रत्यक्ष पहला सवाल पूछा है सर वापस कब करोगे, तो मैं क्या कहूँगा कि यार मेरे पास 7 दिन बाद आने वाले हैं, लेकिन तू तो 10 दिन मांग रहा है, मैं 10वें दिन में तो तुझे ही दे ही दूँगा। मतलब मैं भी थोड़ा सा वेरिएशन लेके चलता हूँ ना कि यार अनसर्टेनिटी है, 7 दिन में नहीं आया, 8वां 9वां 10वां, मेरी ज़बान खाली नहीं जानी चाहिए। तो अब लकी ने भी ऐसे ही करा। लकी को क्या लग रहा था कि यार 2 महीने में तो मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो ही जाएंगे, फिर भी सर आप तो 3 महीने मान लो, 3 महीने में तो शॉर्ट में आपको दे ही दूँगा। अब जैसा इसने सोचा वैसा हो भी गया, 2 महीने में इसके पास पैसे आ गए, पर बिल तो कितने महीने का था, 3, मैं 3 महीने से पहले आ नहीं सकता था, पर तो 2 महीने में इसके पास पैसा आ गया, तो ये भी साहूकार है, अब चोर थोड़ी, तो ये 2 महीने में ही मेरे पास आ गया कि सर पैसों का अरेंजमेंट हो गया, ये ले लो पैसे और बिल रफा दफा करो। मैं ठीक है लदे यार निकी और कुछ कुछ जल्दी दे। मैं नहीं सर इतना आसान थोड़ी है, आपको 1 महीने पहले पैसे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, क्या दे दो रहा? तो फिर मुझे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, तो लाओ सर डिस्काउंट तो दो। ठीक है, उस डिस्काउंट को अपन बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट, कि मुझे इसको थोड़ी सी रिबेट, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी कि चल ठीक है 10,000 में से कितना कर, 1,000 रुपये कम दे दे, 9,000 रुपये दे दे, ठीक है 9,000 का मेरा खर्चा हो गया, इसका 9,000 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, अगला है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल कब समझ में आता है, जब डिसऑनर ऑफ बिल की कहानी समझ में आए, क्योंकि डिसऑनर में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक आपको तो पढ़ा दिया होगा शायद, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा दिया आपको, हाँ yes, तो मजा आ गया होगा आपको, तो सब पता है कोई पैसे नहीं देगा तो क्या होगा, हाँ पता है ना आप लोग, फिर तो ये मेरे तो पीस ऑफ केक। अब यार अकाउंटिंग एस्पेक्ट से तो हमें सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो जिसके हाथ में बिल डिसऑनर होता है, जिसको हम बोलते हैं होल्डर ऑफ बिल, दो पढ़ा है ना होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर ऑफ बिल ड्यू कोर्स फ्यू कोर्स क्या तेल लेने, वो लॉ की बात है। तो जिसके हाथ में बिल डिसऑनर होता है उसको करानी पड़ती है नोटिंग, और नोटिंग के लगते हैं चार्जेस नोटरी वकील के पास कि मैं ड्यूली बिल प्रेजेंट किया था वो नहीं हुआ क्लियर, ठीक है तो नोटिंग चार्जेस लगते। अब यार अगर मैं 3 महीने बाद पैसे लेने जाता और इसको और ये पैसे नहीं देता तो मुझे बैंक से क्या करानी पड़ता, नोटिंग कराना पड़ता, और नोटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्यों करा रहा, क्योंकि मुझे इसके खिलाफ क्या करना है, केस करना है, नहीं करना ही नहीं है तो क्यों करा रहा नोटिंग, मुझे केस करना है। तो अब ये लकी ये बातें जानता है कि यार ये मेरे पास पैसे मांगने आएंगे और मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये नोटिंग करेंगे, 100 रुपये इनके नोटिंग के लगेंगे वो भी मुझसे मांगेंगे, फिर ये मेरे ऊपर केस भी करेंगे, तो अपन स्थिति को बिगड़ने ही क्यों दो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हालात है यार। ये लकी खुद मेरे पास आ गया कि सर 2 दिन बाद बिल मैच्योर हो रहा है, आप पैसे लेने आओगे पर मेरे पास है नहीं सर, तो प्लीज़ सर ये बिल कैंसिल करके नया बिल बना दो, 1 महीना और दे दो। मैंने कहा ठीक है दे तो दूंगा, लेकिन क्या लगेगा, ब्याज। भैया जब पैसों की बात आती है, जब भी अकाउंटिंग में या दुनियादारी में जब पैसों की बात आती है और पैसों के लिए टाइम फैक्टर बन जाता है, तो जहाँ पैसों के रिश्ते में टाइम आ गया वहाँ टाइम के साथ क्या आएगा, ब्याज। बैंक वाले मुझे 3 महीने पहले पैसे दे रहे हैं तो वो भी क्या ले रहे हैं, ब्याज। ये मुझसे 1 महीने पहले पैसे देने आ रहा है तो ये भी क्या मांग रहा है, ब्याज, मतलब एक रिबेट ही मांग रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है, मतलब रिश्ता तो वही हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना और चाहिए तो क्या लगेगा, ब्याज। ठीक है 10,000 का बिल कैंसिल करके 11,000 का बना देते,
1000 रुपये किसका हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज की भी मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यार रिन्यूअल ऑफ बिल में फैक्टर कौन सा आएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ हुई। अब तीसरी और अब दो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके सिलेबस में आती है, 11th 12th में नहीं थी ये पहले, आपने तो खैर 11th में भी नहीं पढ़ाता था आपके कोरोना काल में। तो अब दो चीज़ जो नहीं आती है वो होती है अकोमोडेशन ऑफ बिल। सर अकोमोडेशन मतलब व्यवस्था, कि जब बिल किसी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के लिए ना बने, आपस में पैसों की व्यवस्था बिठाने के लिए बने, कि जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं प्रत्यक्ष के पास गया, प्रत्यक्ष से बोला यार प्रत्यक्ष प्लीज़ पैसे उधार दे दे। प्रत्यक्ष कह रहा है पैसे तो नहीं है सर, पर मैं आपकी मदद कर दूँगा। कि कैसे करेगा? आप एक काम करो, मेरे नाम पर एक बिल बना दो, आपको जितने ही पैसे चाहिए उतने का। हाँ ठीक है, 50,000 रुपये चाहिए, तो ठीक है सर आप 55,000 का बिल बना दो मेरे नाम पर, मैं साइन कर दूँगा कि हाँ मुझे आपको पैसे देने। आप वो बिल बैंक में दिखा के क्या करवा लेना? डिस्काउंट करवा लेना। बैंक आपको 55 के बदले में 50, 51, 52 तो दे ही देगी। मेरा यार बहुत बढ़िया तरकीब है, तेरा भी कुछ नहीं जाएगा, मेरे को भी पैसे मिल जाएंगे, वेरी गुड। तो आप मुझे पैसे तो लेने नहीं थे, फिर भी मैंने बिल बना दिया कि प्रत्यक्ष तू मुझे 3 महीने बाद 55,000 रुपये देगा। प्रत्यक्ष ने गुड फेथ में साइन भी कर दिया, साइन कर दिया, मैं बैंक से डिस्काउंट करा के ले आया, बैंक ने मुझे 52,000 रुपीज़ दे दी। अब बैंक 3 महीने बाद किसके पास आएगा? प्रत्यक्ष के पास। तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि 3 महीने ख़त्म हो, बैंक उसके पास आए उससे 1-2 दिन पहले, जो पैसे मैंने यूज़ किए 52,000, उसमें मैं 3,000 रुपये अपनी तरफ से मिला हूँ, और प्रत्यक्ष को 2-3 महीने बाद पहले क्या दे दूँ? 55,000 रुपये दे दूँ, ताकि जब बैंक पैसे लेने आएगी प्रत्यक्ष के पास पैसे हो, प्रत्यक्ष पैसे लौटा दे। तो यही तो चाहिए था मुझे कि प्रत्यक्ष मुझे आज पैसे दे दे, मैं 3 महीने बाद तुझे लौटा दूँगा। प्रत्यक्ष ने मुझे पैसे नहीं दिए, बिल दिए, बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक वालों ने पैसा दिया, अब मैंने मेरी तरफ से उस पर ब्याज जोड़ा और किसको दे दिया? प्रत्यक्ष को। ठीक है, ये तो हुआ एक सिनेरियो। अब है दूसरा सिनेरियो, प्रत्यक्ष कह रहा है अरे ऐसा मैं तो खुद ही आपको फ़ोन करने वाला था, मेरे को खुद को 50,000 रुपये की ज़रूरत। तो कोई बात नहीं, पुराने वाली तरकीब बता दें तो हमें 1,10,000 रुपये के लिए क्या कर दें? बिल बना दें। मैं बिल बनाता हूँ 1,10,000 का, साइन कर देना, बैंक से लाऊँगा पैसे। बैंक वालों ने 1,10,000 के बदले में 1,00,000 रुपये दे दिए, ये ले 50 तू रख, 50 मैं रखता हूँ। अब 3 महीने बाद बैंक तेरे पास कितने पैसे लेने आएगी? 1,10,000 पूरे लेने आएगी। अपन ने पैसे कैसे बांटे? आधे आधे। तो बैंक वालों ने जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अपने पास रखा 10,000, वो भी कैसा बटेगा? आधा आधा। तो मेरे 50 में 5 और मिला के मैं तुझे कितने दे दूँगा? 55। 50 तो तेरे पास है ही सही, तो उसमें 5 और मिला देना, तेरे भी 55, मेरे भी 55, टोटल कितने हो गए? 1,10,000। बैंक को दे देना, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यार आप लोग बहुत स्मार्ट हो, पहली बार में सारी कहानी समझ रहे हो। तो अब इन कहानियों में होता क्या है कि इन सारे टॉपिक्स को मिक्स करके एक उलझन भरा जाल बनाया जाता है कि भाई अब प्रत्यक्ष कह रहा है सर ये फालतू के काम नहीं करते अपन, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने अगर मुझे 55,000 रुपये नहीं दिए तो पूरे 1,10,000 मेरे को देने पड़ जाएंगे ना। ठीक है, फिर क्या करें प्रत्यक्ष? एक काम करो, 55,000 का बिल मैं साइन करता हूँ, 55,000 का बिल आप भी साइन कर दो। एक बिल मैं बनाता हूँ, एक बिल आप बनाओ। आप जो बिल बनाओगे मैं साइन करूँगा, मैं जो बिल बनाऊँगा आप साइन करूँगा। आपका साइन किया हुआ बिल मैं बैंक से डिस्काउंट करा लूँगा, मेरा साइन किया हुआ बिल आप बैंक से डिस्काउंट करा ले। आपका बैंक जो पैसे आपको दे वो आप रखना, मेरा बैंक जो मेरे पैसे देगा मैं रख लूँगा। फिर आपने जिस बैंक से बिल डिस्काउंट कराने वाला होगा वो पैसे मेरे पास लेने आएगा, मैंने जिससे डिस्काउंट कराया वो पैसे आपके पास लेने आएगा। आप मेरे वाले को पैसे दे देना, मैं आपके वाले को पैसे दे दूँगा, जयराम जी की है कि नहीं? ठीक है भाई कर लो, ऐसा कर लिया। फिर हुआ क्या? मेरे पास तो 3 महीने बाद पैसे नहीं थे, तो मेरी बैंक जब इसके पास आई तो इसने तो पैसे दे दिए, इसकी बैंक जब मेरे पास आई मेरे पास थे ही नहीं कल, तो अब इसकी बैंक किसके माथे आएगी? इसके। तो मेरी बैंक को ये पैसे दे चुका है, इसकी बैंक को भी इसी को पैसे देने पड़ेंगे, फिर ये किसके माथे आएगा? मेरे को बोले सरकार पैसे दो, मैं कहा अभी तो नहीं, 2 महीने बाद। क्या ठीक है नया बिल बना लेते हैं ब्याज के साथ? ओके, इसने नया बिल बना लिया ब्याज के साथ। ओके, नया बिल फिर मैच्योर हुआ। अब नए बिल मैच्योर हो, उससे पहले मैं मैच्योर हो गया, मतलब मैं क्या हो गया? मैच्योर तो नहीं, इंसॉल्वेंट।
मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो भले ही मैंने 1 लाख के बिल पे साइन किया होगा, 1 करोड़ के बिल के, किसी माइकल लाल की ताकत नहीं है मेरे से पैसे ले ले, वो तो कोर्ट सब चीज़ें नीलाम करेगी, उसको पैसे देगी। कोर्ट से इसके पास लेटर आया कि भाई साहब 25 पैसे रुपये मिलेगा आपको, तो 25% मिल जाएगा, 75% इसका डूब गया। जय राम जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लास्ट। ठीक है, इन सब की अपन को वन बाय वन एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए एक ही लाइन की एंट्री है सारी, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको पैसे लेने हैं उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और जिसको देने हैं उसके लिए बिल्स, और ये बिल्स रिसीवेबल क्या है हमारे लिए, पैसा। बस बिल्स रिसीवेबल क्या है, पैसा। पैसों का रूल क्या है, बस खत्म। आया तो डेबिट, गया तो। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो अब क्या हो जाएगी, क्रेडिट। खत्म, वाइस वर्सा चलता है ना, तो जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, आप तो मेरा नेचर जानते ही हो कि मेरे को लिखने में क्या आती है, मौत आती है। तो बोल के सुनाओ, समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा यार। तुम्हारे को ऐसे ही थोड़ी खिताब दिया गया है। ओके, तो जल्दी जल्दी एंट्री देखते हैं। किसको बनाया अपन, लकी को बना दे हीरो। इसने नहीं, बोर्ड पे नाम लिखने के लिए मना कर दिया इसने। तेरा क्या जाएगा, क्या जाएगा बोर्ड पे नाम लिखने से। एस फॉर स्नेहा, तेरा लिखो। ठीक है चलो, टीकम चंद और रुकम चंद, दो लोग हैं। अच्छा, स्नेहा और यशी। ठीक है, कोई चोर नहीं है यार। इसने आप पैसे लेने देने, तेरे को लेने देता हूँ, देने में तेरे को टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्नेहा को पैसे लेने किससे, यशी से। तो इन द बुक्स ऑफ स्नेहा पैसे लेने हैं, तो पैसे क्यों लेने हैं, कि भैया हमने यशी को क्या करा है, गुड सेल करा है। तो स्नेहा की बुक्स में यशी क्या है, डेटर, और सेल ने तो कर रखी है टू के साथ शादी। तो एंट्री होगी पहली कि यशी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000। फिर यशी ने बिल साइन करके दे दिया, बिल बनाने की कोई एंट्री नहीं होती, साइन करने की एंट्री होती है। मतलब स्नेहा ने बिल बनाया 10 तारीख को और इसको पोस्ट किया यशी को, यशी को बिल बना 14 तारीख को, 15 तारीख को उसने साइन करके वापस सेंड कर दिया। तो बिल कब साइन किया, 15 तारीख। तो एंट्री कब होगी, 15 तारीख को बिल। अब स्नेहा को पैसे लेने हैं तो स्नेहा के लिए बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है, पैसा। आया तो डेबिट, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यशी अकाउंट 10,000 10,000। अब वन बाय वन ये बिल हमारे पास आ गया, अब वन बाय वन केस देखते हैं। पहला केस, होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, बिल पड़ा है हमारे पास। दूसरा केस कि हमने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स किया हमने, समय ऐसे से अंजलि को एंडोर्स कर दिया, उसकी फ्रेंड है ना। ठीक है, अंजलि को एंडोर्स कर दिया। अब जब अंजलि को एंडोर्स किया तो बिल गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो अब एंट्री होगी अंजलि अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। हो सकता है कि अंजलि को पैसे देने थे 11,000 और जो बिल दिया वो 10,000 का फुल सेटलमेंट में दे दिया। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, और जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। यहाँ पे कैश नहीं है, पैसा क्या है, बिल्स रिसीवेबल, तो डिस्काउंट क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव कितना, 1। और पैसे कितने देने थे अंजलि को, 11,000। तो अंजलि के नाम पे कितना आ जाएगा, 11,000। ठीक है, ये कौन सा हुआ, सेकंड वाली सिचुएशन, एंडोर्समेंट वाली। अब थर्ड वाली कंडीशन, सर एंडोर्स नहीं किया, क्या करा हमने, बैंक से डिस्काउंट करा, तो बैंक को क्या करेंगे, बिल दे देंगे, और बैंक हमारे खाते में क्या डाल देगी, पैसा डाल देगी, और थोड़ा बहुत पैसा डिडक्ट कर लेगी। तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, आया तो डेबिट, एंट्री होगी बिल, सॉरी
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक वालों ने दिए 9,500, बिल तो पूरा गया 10 का, 500 रुपए जो उन्होंने डिडक्ट किए वो किस बात के हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 0.5। हो गया एंट्री, देखो समझ में आ रही है बेटा, ये एंट्रीज मैंने लिखवा रखी है आपको एक पेज पे, प्लीज़ किसी से भी वो नोट्स ले लेना और सारी एंट्रीज कॉपी करके लाना, मीनाक्षी भी लेट आई है, जो लोग भी लेट आए हैं वो सारे इनसे बेटा जिसने साफ सुथरे लिख रखे हो ना ग्रुप में फोटो खींच के डाल ही देना, कॉपी का लेन देन खराब होता है। चले आगे बढ़े अमन, ओके नेक्स्ट क्या क्या हुआ, होल्ड टिल मैच्योरिटी कोई एंट्री नहीं हुई, एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई, डिस्काउंटिंग की एंट्री हो गई, थर्ड वाली फोर्थ वाली एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब इसने आने बिल किसको दे दिया, कलेक्शन के लिए, तो बिल तो गया ना इसके पास से, तो टू बिल्स रिसीवेबल और किसको दिया सर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 10, 10, फिर पैसा आ जाएगा इसके बैंक में, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 10, 10, ये आम जिंदगी हुई कंप्लीट। ठीक है, इन सब में क्या हुआ कि पैसा आ गया, अब हम कहेंगे नहीं सर हैज नॉट बीन ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, पैसा नहीं आया, तो फिर क्या हो गया, पहला डिसऑनर हो गया, दूसरा डिसऑनर नहीं हुआ रिटायरिंग ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो पहले डिसऑनर ऑफ बिल, अब चारों सिचुएशन में डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, अलग अलग होगी, आपको नोट्स लिखवा रखे हैं कल वो नोट्स लिख के लेके आना प्लीज, आज की एंट्री में ये वाला पार्ट थोड़ा धुंधला धुंधला समझ में आएगा, कल वो लिख के नहीं लाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अभी तक सिंपल था, अब एंट्रियाँ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि खिचड़ी बनने लगेगी, तो वन बाय वन, अगर बिल हमने किसको दे रखा है, अंजलि को दे रखा है और वो बिल क्या हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर हो गया तो अंजलि जाएगी वकील के पास और वहाँ पे नोटिंग करवाएगी, पढ़ा है ना आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नोटिंग पढ़ा है आपको नोटिंग ऑफ बिल, हाँ तो इसके 100 रुपये भी लगेंगे, वो तो अंजलि के लगे स्नेहा के थोड़ी लगे, लेकिन फिर अंजलि स्नेहा से कितने रुपए मांगेगी, 10,000 के 10,100, और स्नेहा यशी से कितने मांगेगी 10,100। तो पहले मैं अंजलि की बुक्स में एंट्री बता देता हूँ, अंजलि को जब बिल मिला था तो किससे मिला था, स्नेहा से, तो एंट्री करी थी अंजलि के पास, बिल आया था, बिल क्या था पैसा, एंट्री हुई थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट, और डिस्काउंट का मैटर हो तो फिर एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बिल तो आया था 10 का डिस्काउंट 1 का, स्नेहा के साथ सेटलमेंट हुआ था 11 का, अब ये बिल पैसे लेने गई किसके पास, यशी के पास, यशी ने इसको पैसे नहीं दिए, इसके 100 रुपये और चले गए। ठीक है, अब बिल तो हो गया मैच्योर, बिल की भूमिका खत्म हुई, अब बिल को वापस तो नहीं ला सकते अपन, तो एंट्री करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, बिल तो गया भाई कितने का 10 का, ठीक है 10,000 का, और 100 रुपये कैश में और लग गए टू कैश। ठीक, अब ये पैसे इसको किससे लेने हैं, अंजलि को स्नेहा से, और स्नेहा क्या बन गए उसके लिए डेटर, असेट, असेट की वाली इंक्रीज हो गई तो डेबिट, तो एंट्री करेगी स्नेहा अकाउंट डेबिट 10,100। अब अंजलि की बुक्स में स्नेहा क्या हो गई डेबिट, तो स्नेहा की बुक्स में अंजलि क्या हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि स्नेहा को अंजलि को पैसे देने हैं, स्नेहा के ऊपर आ गई लाइबिलिटी, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, एंट्री करेगी टू अंजलि अकाउंट 10,100, और स्नेहा को पैसे किससे लेने हैं यशी से, एंट्री होगी यशी अकाउंट डेबिट 10,100। इस एंट्री को मैंने बोला था इंपॉर्टेंट एंट्री है, डायरेक्टली देख के समझ में नहीं आती है ना, इसमें आपको समझना पड़ेगा कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, जिससे लेना है, वैसे भी मैंने आपको एक बात याद कराई थी कि जिससे पैसा लेना होता है उसको अपन सर पे बिठा के रखते हैं, सिखाया था नहीं सिखाया, जिससे पैसा लेना उसको सर पे बिठा के रखते हैं, मतलब कहाँ रखते हैं ऊपर,
तो लेना किससे है? यशी से, यशी डेबिट, और जिसको देना है वो क्रेडिट। ठीक है, ओके। ये तो क्या हुआ कि जब बिल डिसऑनर हुआ और हमने बिल क्या कर रखा था, एंडोर्स कर रखा था। अब हमने तो बिल करवा रखा था बैंक से डिस्काउंट, और वो क्या हो गया, डिसऑनर। बैंक गई पैसे ले ले, बैंक को पैसे नहीं मिले, बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक तो क्या करेगी, मेरे खाते में से डिडक्ट कर देगी। अच्छा, कितने डिडक्ट करेगी, पूरे? अगर उन्होंने 100 रुपये की नोटिंग भी कराई होगी तो वो तो पूरे 10,100 रुपये डिडक्ट कर लेगी। तो अब मेरे पास से पैसे गए तो टू बैंक अकाउंट 10,100, और ये पैसे मुझे फिर से किससे लेने हैं, यशी से। तो एंट्री होगी यशी अकाउंट डेबिट 10,000। तेरा नाम यशी है कि याशी है, कुछ भी कैसे बोल दो, जो होगा वही बोलेंगे, हम कुछ भी बोल देंगे। याशी, याशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डन। तीसरी एंट्री, नेक्स्ट केस क्या था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में पहली एंट्री तो यही होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब अगर पैसे दे रही थी याशी तो पैसा आता बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसा तो आया ही नहीं तो बैंक की बजाय क्या आ जाएगा, याशी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब सर तीनों ही केसेस में देख लो आप, याशी दीदी क्या हो रही है, ला बेटा याशी पैसे दे, नहीं दे रही तो ये बता कैसे देगी। हो सकता है याशी ये पकड़ो पैसे, फिर हमारे पास क्या आ गया, पैसा आया तो डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू याशी अकाउंट, ये याशी हाथ जोड़ लो, अभी नहीं है सर, एक महीने दो महीने बाद नया बिल बना दो। ठीक है, नया बिल बना देते हैं। तो जब नया बिल बनाएंगे तब एंट्री क्या करेंगे, नया बिल बनेंगे किसके नाम पे, याशी के नाम पे। याशी अभी क्या हुई पड़ी है, डेबिट। तो नया बिल बन जाएगा तो याशी को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट, और नया बिल साइन हो जाए क्या जाएगा, वो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू याशी अकाउंट। अब यार नया बिल फॉर्मेट में थोड़ी बनाएंगे, क्या लेंगे अपन उससे, चार्जेस, ब्याज, इंटरेस्ट। तो हम तो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट, दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 1,000 का इंटरेस्ट ले लेते हैं इससे, और 10,100 तो लेने ही लेने थे, कितना बनेगा 11,100 आ रहा है सुन, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, होल्ड टिल मैच्योरिटी, एंडोर्समेंट, डिस्काउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चारों ही सिचुएशन में डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। अब सर डिसऑनर नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, रिबेट करवाएं कि रिन्यू करवाएं, रिन्यू की तो एंट्री होगी, ये रही रिन्यू की एंट्री, रिबेट करवा दे। तो रिबेट बेटा दो ही केस में हो सकता है, या एक ही केस सीखते हैं अभी, फालतू कहते नहीं है कि जब मैंने बिल दे दिया है अंजलि को और तेरे को रिबेट करवाना है, एक महीने पहले पैसे देने, तो मेरे को काय को दे दिया, अंजलि को दे बात खत्म करो। मैंने बिल डिस्काउंट करवा दिया है और आपको एक महीने पहले पैसे देने, तो मेरे को काय को दे दो, बैंक को तो बात खत्म करो, आप जानो बैंक जाने, आप जानो अंजलि जाने। आप अगर रिबेट के लिए मेरे पास आ रहे हो तो कब आ रहे हो, जब बिल मैंने क्या कर रखा है, होल्ड टिल मैच्योर, मैंने मेरे पास होल्ड करके रखा। अगर मैंने मेरे पास बिल रख के रखा है तो मेरे पास एंट्री हो रही है पुरानी, उस जमाने की एंट्री हो रही थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू याशी अकाउंट, ये एंट्री हो रही थी। अब याशी दीदी आप क्या कह रहे हो कि ये पकड़ो सर पैसे, थोड़े बहुत दे दो डिस्काउंट और ये बिल को कैंसिल कर दो, या ठीक कर देते। अब बिल अगर कैंसिल होगा तो बिल तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री समझ में आ रही, राइटिंग समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का बिल था सर, 10,000 का बिल था, बिल की एंट्री तो 10,000 से होगी। अब आपके पास क्या है, पैसा, पूरा पैसा दिया गया याशी ने, नहीं सर एक महीने पहले पैसे लेके आई थी तो हमने उसको 500 रुपये क्या दिया था, रिबेट, क्या दिया था, रिबेट। तो एंट्री करेंगे सर पैसा आया, आया तो डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 9,500, बाकी के 500 रिबेट, प्रॉपर नाम है उसका रिबेट। बुक वाले यूज करते हैं डिस्काउंट, गधे हैं बुक वाले, पर अभी मुसीबत के टाइम पे किसको बाप बनाना पड़ता है, गधे को बाप बनाएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट फाइन, डिस्काउंट ना लिखो रिबेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
ठीक है, रिबेट हो गया, रिन्यू हो गया, डिसऑर्डर हो गया। अब क्या बचा हमारा? एक तो रह गया हमारा अकोमोडेशन ऑफ बिल और एक हो गया इंसॉल्वेंसी। ये दोनों चीज़ कल पढ़ेंगे, कल वो मेन डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी वो लेके आना, आप लोग शीट लेके आना, प्रैक्टिस शीट लेके आना, ठीक है। बाय, टाटा सी यू।